दोस्तों नमस्कार। सर्दियों में गुड़ वाले दलिए का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए बनाते हैं गुड़ का दलिया। इसके लिए मैंने करीब 1 कटोरी दलिया लिया है और उसको पानी में भिगाने के लिए रख दिया है। करीब 1 कटोरी गुड़ बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। करीब 6 काजू और 6 बादाम को मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। कुछ किशमिश का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक भगोने में 2 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और जो हमने गुड़ के टुकड़े करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। बीच बीच में इसे करछी की सहायता से चला भी लेंगे, अन्यथा जो है गुड़ तली पर चिपक सकता है। करीब 5 हरी इलायची को भी क्रश करके इसमें मिक्सअप कर दिया है ताकि इसका फ्लेवर जो है दलिए में आ सके। करीब 5 मिनट में गुड़ पूरी तरह से गल गया है और इस प्रकार से गुड़ का पानी तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। करीब 1 घंटा पहले जो हमने दलिया को भिगाने रखा था उसका पानी पूरी तरह से निथार लेंगे। अब ओवन में कढ़ाई रखेंगे और उसमें करीब 2 चम्मच देसी घी लेंगे। घी पिघल जाने पर काजू और बादाम के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे तथा इनको लो फ्लेम में करीब 2-3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब इसमें किशमिश भी डाल देंगे और उसको करीब आधा मिनट रोस्ट करेंगे। अब पानी में सोख किया हुआ दलिया इसमें मिला लेंगे और उसको करछी की सहायता से लो फ्लेम में करीब 3-4 मिनट तक भूनेंगे। लो फ्लेम में करीब 2 मिनट दलिया भूनने उपरांत हम इसमें गुड़ का पानी ऐड कर लेंगे। पहले थोड़ी मात्रा में गुड़ का पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। इसके उपरांत जो बचा हुआ गुड़ का पानी था उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे और अब इसको हाई फ्लेम में करीब 10 मिनट तक उबलने देंगे। बीच बीच में इसे करछी की सहायता से चलाते भी रहेंगे, अन्यथा दलिया तली पर चिपक जाएगा और जल सकता है। करीब 10 मिनट तक उबालने के उपरांत दलिया पर्याप्त रूप से कंसंट्रेट हो गया है। इस प्रकार से दलिया तैयार है। गैस को बंद कर लेंगे। घी, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल के फलस्वरूप इस दलिये की तासीर गर्म होती है और ये आपको सर्दियों में गर्मी का एहसास कराएगी। तो आप भी गुड़ की दलिया के स्वाद का आनंद लें और थैंक्स।